दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों मौसम विभाग ने 8 मई के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है और बता दिया है कैसा है आज का मौसम सिस्टम, क्या रहेगा आज का मौसम। साथ ही आने आज का येलो अलर्ट कहाँ पर हुआ है जारी, किन क्षेत्रों में हो सकती है आने वाले समय में बारिश। तो ये जानते हैं 8 से लेकर 10-11 मई तक का मौसम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप इसकी सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टम क्या है संपूर्ण देश का। दोस्तों उत्तरी अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके कारण मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा हिमालय पश्चिम बंगाल और उससे सटे बिहार के भागों पर एक अन्य चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है तथा इस सिस्टम से गंगी पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। एक अन्य ट्रफ रेखा दक्षिण छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए कोमोरिन तक बनी हुई है। दोस्तों यह था आज का मौसमी सिस्टम। अब जान लेते हैं आज का 8 मई का 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों आने वाले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक दो बार अधिक तीव्रता की हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमालय पश्चिम बंगाल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होने के आसार है, जबकि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के एक दो स्थानों पर लू की स्थिति बनी रह सकती है। दोस्तों मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज बारिश और आंधी की चेतावनी। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं आगे का मौसम किन क्षेत्रों में जारी हुआ है येलो अलर्ट। दोस्तों साइक्लोन फनी के असर से अभी कई राज्य उभरे भी नहीं थे कि मौसम विभाग ने एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सप्ताहांत में मौसम का मिजाज परेशान कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दो दिन में हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और आंधी आने का अनुमान है। इसका असर दिल्ली एनसीआर सहित अन्य पड़ोसी राज्यों पर हो सकता है, यानी कि संपूर्ण देश का मौसम फिर से होगा प्रभावित इस सप्ताह के अंत में। दोस्तों मौसम विभाग ने मंगलवार शाम ताज़ा येलो वेदर वार्निंग में जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 मई को तेज बारिश और आंधी की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल प्रदेश के समतल व कम पहाड़ी क्षेत्रों में ओले गिरने के साथ तेज बारिश और आंधी चलने का अनुमान है। हिमाचल के आसपास के क्षेत्रों की हम बात करें तो 10 मई से 13 मई तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आम लोगों को खतरनाक मौसम से बचने के लिए कलर कोड युक्त चेतावनी जारी कर दी है। इससे पता चलता है कि मौसम कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है, क्या इससे जानमाल के नुकसान की भी आशंका है या नहीं। यह मौसम विभाग द्वारा जारी पीले रंग की चेतावनी का संकेत ही हमें बता सकता है, यानी कि इससे बहुत ही जानमाल की हानि हो सकती है। येलो अलर्ट जारी हो चुका है, इसका मतलब होता है कि अगले कुछ दिन संबंधित इलाकों में मौसम खराब रहेगा जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को ऊना में सबसे ज़्यादा 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति के प्रशासनिक केंद्र केलांग में रिकॉर्ड किया गया। केलांग में पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों मौसम विभाग ने फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है फनी तूफान के बाद और अलर्ट जारी हुआ है 10 से लेकर 13 मई के लिए और मुख्य रूप से अलर्ट है 13 और 11 के लिए, परंतु यदि हम बात करें तो 10 से लेकर 13 तक प्रभावित होगा मौसम इन क्षेत्रों का। और यहाँ आपने जाना कहाँ हुआ है येलो अलर्ट जारी और जाना हमने 8 से लेकर 13 मई तक के मौसम को। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का, इस वीडियो को आप जैसे शेयर करें ताकि सावधान रह सके खास करके शिमला क्षेत्र के लोग और दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लोग, क्योंकि फिर से मौसम मचाने वाला है वहाँ पर तबाही। तो जुड़े रहे नमस्ते इंडिया न्यूज़ के साथ पल पल की मौसम खबर व अन्य बड़ी खबरों को तुरंत प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।